अब बात करेंगे लाजपत नगर इलाके में हुई वारदात की। ये कहानी अगर दिल्ली के लचर लॉ एंड ऑर्डर की है तो तकदीर के सितम से गुजर रहे एक परिवार की भी है। लाजपत नगर में गुंडे एक ढाबा मालिक की जान महज 1,000 रुपए के बिल के लिए ले लेते हैं। उन्हें सीने पर 2 गोलियां मारी जाती हैं और इसी के साथ उनके 16 साल का मासूम बेटा महज 13 दिनों के अंदर 2 बार रोता है। पहली बार जब 13 दिन पहले उसकी मां की मौत हुई थी और अब दूसरी बार गुंडों ने मामूली सी बात पर उसके पिता की हत्या कर दी। मैं तो अब अकेला हो चुका हूँ, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए मेरे मम्मी पापा का। कोई गलती भी नहीं थी उनकी। कई बार तकदीर इंसान से इतना कड़ा इम्तिहान लेती है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे और क्या न करे। दिल्ली के लाजपत नगर का ये परिवार इन दिनों तकदीर के ऐसे ही फेर से गुजर रहा है। महज 13 रोज पहले इस मासूम के सिर से उसकी मां का साया उठ गया। अभी ये परिवार इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि इस मासूम को जिंदगी अपनी दूसरी तल्ख हकीकत से वाकिफ कर गई। हकीकत एक ही झटके में मां के बाद पिता के भी चले जाने का। 16 साल के मोहित के पिता पप्पू वासुदेव की सोमवार की रात कुछ गुमनाम कातिलों ने उनके ढाबे पर ही गोली मारकर जान ले ली। गोली लगते ही लोग उन्हें उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पप्पू लाजपत नगर में एक छोटा सा ढाबा चलाते थे, लेकिन इसी ढाबे में महज 1085 रुपए के बिल को लेकर उनकी अपने कुछ ग्राहकों से ऐसी कहा सुनी हुई कि वो उनकी जिंदगी पर भारी पड़ी। अब हालत यह है कि पूरा परिवार जहां 15 दिनों के फासले पर 2-2 लोगों को खोकर टूट सा गया है, वहीं मासूम मोहित को तो जैसे वक्त ने वक्त से पहले ही समझदार बना दिया है। मेरे पापा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के IAS बनूं, उनका सपना पूरा करूं। अब वो तो है नहीं, लेकिन अब मैं पढ़ लिख के अपना खुद ही पापा और मम्मी का दोनों का सपना पूरा करूंगा IAS बन के। हाँ जी, वासुदेव की पत्नी जी की भी 12 मई को डेथ हुई थी और सोमवार 23 मई को उसकी 13वीं थी। सारे रिश्तेदार घर में थे, हम लोग भी घर में थे। हम लोग शाम को 7:30 बजे 8 बजे यहाँ से निकले हैं। हम भी तो पूरा रास्ते हैं जाने के लिए। अभी हम ढंग से घर में बैठ के खाना खाने के लिए उठा ही रहे थे, खाना खाने के लिए मुंह में डाले, वो अभी डाला भी नहीं, फोन आ गया, पप्पू को गोली लग गई है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। तकदीर इस मासूम से कुछ ज्यादा ही खफा है, तभी तो इस छोटी सी जिंदगी में इस नन्ही सी जान के सिर से तकदीर ने एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार उसके मां बाप का साया उठ गया है। जी हां, आपने सही सुना, मोहित ने 2-2 बार अपने माता पिता को खोया है। दरअसल मोहित अपने पिता पप्पू वासुदेव और मां चंद्रा वासुदेव का अपना बेटा नहीं था। अपने पहले मां बाप को खोने के बाद वो साउथ दिल्ली के एक यतीम खाने में रहता था और वहीं से वासुदेव दंपत्ति ने आज से कोई 11 साल पहले उसे गोद लिया था। दोनों एक बच्चे के ख्वाहिशमंद थे और दोनों ने मोहित में ही अपनी सारी खुशियां ढूंढ ली। उन्होंने मोहित को न सिर्फ नाजों से पाला, बल्कि उसे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो उनके सगे माता पिता नहीं है। और तो और मोहित को उन्होंने अच्छे पब्लिक स्कूल में भी पढ़ाया, जीते जी उसके हर सपने पूरे किए। लेकिन 11वीं में पढ़ रहा मोहित अभी बड़ा होकर अपने माँ बाप के तमाम सपनों में रंग भरता, इससे पहले ही जिंदगी ने उसे दूसरी बार धोखा दे दिया। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। लगता है मोहित के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अब तक ममता की छांव तले पल रहा मोहित अचानक यूं अपने माँ बाप को खोकर जैसे वक्त से पहले ही बड़ा हो गया है। वो कहता है कि वो अपने IAS बनने के माँ बाप के सपने को जरूर पूरा करेगा। मेरे पापा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के IAS बनूं, उनका सपना पूरा करूं। अब वो तो है नहीं, लेकिन अब मैं पढ़ लिख के अपना खुद ही पापा और मम्मी का दोनों का सपना पूरा करूंगा IAS बन के। दरअसल मोहित की माता जी की मौत हुए अभी 13 दिन भी नहीं बीते थे कि उनके पिता की इस तरह से हत्या कर दी गई। बहरहाल अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन जिस तरह से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है उसकी भरपाई करना बेहद मुश्किल है।
सबको यकीन है कि मोहित अपने वादे पर खरा उतरेगा, लेकिन जिस तरह देश की राजधानी में गुंडों ने चंद रुपयों के चलते एक अच्छे भले परिवार को उजाड़ दिया, वो दिल्ली में कानून व्यवस्था की असलियत और गुंडों के बढ़ते हौसले का एक बड़ा सबूत है। अनुज मिश्र के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। ये वारदात दरअसल दिल्ली पुलिस को आईना दिखाती है, आईना दिखाती है कि किस तरह गुंडे उनकी नाक के नीचे से किसी के सीने पर गोली उतारकर दंदनाते हुए निकल जाते हैं और वर्दी वाले खड़े खड़े बस तमाशबीन रहते हैं। लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट के नजदीक सोमवार रात हुई कत्ल की ये वारदात कुछ ऐसी ही है, जब गुंडे एक ढाबा मालिक को गोली मारकर हवा में हथियार लहराते हुए निकलते हैं। चश्मदीदों की माने तो डर के मारे पुलिस भी दुबक गई थी। सोमवार 23 अप्रैल रात 10 बजे लाजपत नगर दिल्ली। रात ढल रही थी लेकिन दिल्ली के इस भीड़ भरे मार्केट में अब भी चहल पहल थी। तभी अचानक एक के बाद एक दो गोलियों की आवाज से खलबली मच गई। अभी लोग कुछ समझ पाते कि अपने ढाबे के सामने पप्पू वासुदेव लहूलुहान होकर ढेर हो चुके थे और इसके साथ ही हवा में हथियार लहराते हुए चार बदमाश बड़े आराम से अपनी कार तक गए और उसमें बैठकर रफू चक्कर हो गए। लोग फौरन पप्पू को उठाकर अस्पताल लेकर गए लेकिन दोनों गोलियां उनके सीने में लगी थी, लिहाजा उनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। डॉक्टरों ने भी फौरन अपने हाथ खड़े कर दिए। बाद में पता चला कि लाजपत नगर के इस ढाबा मालिक का कत्ल सिर्फ 1085 रुपयों के चलते कर दिया गया। दरअसल उनके ढाबे पर इस वारदात से कुछ देर पहले ही चार लोग डिनर के लिए पहुंचे थे जिनका बिल 1085 रुपए हुआ। जब वासुदेव ने उनसे रुपए चुकाने को कहा तो चारों उनसे उलझ गए। तब तो ये लोग उन्हें 1000 रुपए चुका कर चले गए लेकिन जाते जाते दोबारा लौटने की बात कहकर गए। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सिर्फ 15 मिनट बाद चारों दोबारा ढाबे पर पहुंचे और उन्होंने पप्पू को बेहद करीब से दो गोलियां मार दी। राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में एक रेस्टोरेंट के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया ये जा रहा है कि गोपाला सिंधी नाम के इस रेस्टोरेंट पर 3 से 4 लोग जो हैं वो खाना खाने के लिए यहाँ पर आए थे और खाना खाने के बाद जब इनका बिल बना तो बिल को लेकर मालिक से इनका विवाद हुआ। उसके बाद ये लोग यहाँ से चले गए लेकिन बताया ये जा रहा है कि 15 मिनट बाद ये लोग फिर वापस आते हैं, इनके हाथ में पिस्टल होता है और आते ही मालिक के ऊपर गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस पूरे वाक्य का जो सबसे अफसोसनाक पहलू था वो था पुलिस का रवैया। चश्मदीदों की माने तो उस रात दो पुलिस वाले भी मौका वारदात पर मौजूद थे लेकिन उन्होंने न तो पप्पू से उलझ रहे कातिलों को रोकने की कोशिश की और न ही जब वो गोली चलाकर भाग रहे थे तो उन्हें पकड़ने की। पता नहीं कौन थे कस्टमर, तो रोटी खा के गए, लवंगे थे, बदमाश थे, क्या थे, खाना खा के गए, उसके बाद आके गोली मारी। पुलिस वाले उसी बीच में थे लेकिन हम पुलिस वाले को भी बोला कि कम से कम गोली वैसे नहीं चला सकते हो, उसके पैर थे पहिया पे मार सकते हो ना, पहिया कम से कम बैठ जाएगा, नहीं भाग पाएगा। उस वक्त आप कहाँ थे जब ये पूरा वाक्य हुआ? वहीं थे, यहीं पर थे। यहाँ नहीं हुआ, स्कूल के सर्विस रोड पे थे और सर्विस रोड पर दोनों पुलिस वाले, एक थाने पर फोन कर रहा था, दूसरा कंधे पर मशीन गन लिए थे। आप फिर उनका आपने पीछा किया? उनका पीछे किया, पत्थर चला रहे थे लेकिन दूर दूर से पत्थर चला रहे थे ना, हमको भी डर था ना कि कहीं गोली चल जाए तो। और तो और बीच बाजार में ये सब कुछ तब हो गया जब मौकाए वारदात से चंद कदमों की दूरी पर ही पुलिस पिकेट भी मौजूद है। ऐसे में अब लोगों का कहना है कि पुलिस इस वारदात को तब टाल सकती थी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जो कातिल अब फरार हैं वो रंगे हाथ जरूर पकड़े जा सकते थे। उधर घर वालों को तो इस वारदात के पीछे अब साजिश का शक हो रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो 1085 रुपए में से 1000 रुपए चुका कर जा सकते हैं वो इतनी मामूली सी बात पर किसी की जान क्यों लेंगे। हालांकि इसी दिल्ली में ऐसे दसियों मिसाल मौजूद हैं जब महज 10 20 या 100 रुपए के पीछे भी किसी की जान गई है। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं दरअसल यहीं पर गोलियां चली थी लाजपत नगर में और आप देख सकते हैं तकरीबन 20 मीटर की दूरी पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं और ऐसा लोगों का आरोप है कि जिस वक्त ये पूरा वाक्य हुआ था यानी सोमवार को
यहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, बावजूद इसके किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई उन आरोपियों को पकड़ने की और यही वजह रही कि आरोपी इस वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से भाग गए। अब देखना यह है कि पुलिस आरोपियों को पकड़ पाती है या फिर नहीं। कैमरा सत्येंद्र के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।